मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 10 करोड़ रुपए के इस भैंसे को देखकर एक बार देखते ही रह गए। नाम के साथ साथ काम ऐसा जो देख रहा है देखते ही रह जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आजकल मुर्रा नस्ल के इस भैंस की चर्चा बेहद जोरों से है और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हरियाणा के किसान नरेंद्र सिंह इस भैंसे को लेकर पटना पहुंचे और यहां सीएम नीतीश कुमार भी इसे देखने पहुंचे और जब उनकी नजर इस भैंसे पर पड़ी तो एक टक निहारते रह गए। अब आपको इस शानदार नस्ल के भैंसे की खासियत बताते हैं। भैंसा के मालिक नरेंद्र सिंह बताते हैं कि वो उसका सीमेन बेचकर लाखों की कमाई कर लेते हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, अपना परिचय भी दूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 25 साल से मुर्रा पर कार्य कर रहा हूँ। जो हमने गोलू वन जोटा तैयार किया था वो 25 साल पहले तैयार किया था, वो लगातार से 7 साल पूरे देश का चैंपियन रहा। उसके बाद काफ़ी बच्चे तैयार हुए, पूरे प्रदेश में भी हुए, पूरी इंडिया में भी हुए, कई बच्चे तो ऐसे हुए जिन्हें धूल मचा दी है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे युवराज, अर्जुन, पीसी 483, शहनशाह, कई बुल हुए। तो मैं एक पीसी 483 बुल था जो हमने अपने फार्म पर तैयार करके हरियाणा गवर्नमेंट को गिफ्ट किया था, ये उसी का बेटा है। ये लगातार 2 साल से जहाँ भी मेले होते हैं, जहाँ भी पार्टिसिपेट करता वहाँ लगभग चैंपियन बनता है। तो बिहार की सरकार ने मेरे को संदेश भेजा था यहाँ आने के लिए, तो मैंने उनको यश की और मैंने अपना बुल परसों यहाँ पर पहुँचवा दिया था। मैं तो आज ही आया हूँ। 10 करोड़ रुपये कीमत, 10 करोड़ रुपये कीमत ऐसे लगी है इसकी, 10 करोड़ को इसके लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका सीमन इतना है, आज पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, अच्छा भी, मदर फादर के रिकॉर्ड भी अच्छे, संतान भी अच्छी पैदा हो रही है। तो एक सीमन का डोज का 300 रुपये है, इससे काफ़ी इनकम होती है। 10 करोड़ के इस भैंसे का वजन करीब 16 क्विंटल है, जबकि ऊंचाई करीब 5.5 फीट है। यह हर दिन करीब 35 किलोग्राम सूखा और हरा चना के अलावा चने खाता है। इसके डाइट में 7 से 8 किलोग्राम गुड़ भी शामिल है। इसके भोजन पर करीब 30 से 40 हजार रुपए प्रतिमाह खर्च होते हैं। इसका तो कोई मोल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अवार्ड भी काफी मिले, स्टेट अवार्ड, ये तो पैसे, तो 10 करोड़ की बात नहीं, बहुत कुछ मिला। अपना देश के कोने में कोई से भी जाना, वहाँ मेरा नाम नरेंद्र सिंह। तो और बताइएगा इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो सही इधर साइड हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई है जो 14 फुट है और चौड़ाई है 4.25 फुट है, 16 क्विंटल वेट है, 5.5 फुट हाइट, बिल्कुल जेड, बिल्कुल देखो कैसा कलर है इसका, सींग गोल है, पीठा बहुत चौड़ा है, कमर बहुत चौड़ी है, टेस्टिकल बहुत अच्छे है, पैर बहुत अच्छे, पूछ बहुत अच्छी, यानी प्योर मुर्रा ब्रीड के जो इसमें करेक्टर है। और जो इससे बच्चे आते हैं 18, 19, 20, 21 पहली बार झोटिया दूध देनी शुरू कर दी है, तो ये एक आज इस दुनिया का फेमस बुल है। फेमस बुल नहीं कैसे, मतलब एक बहुत अच्छा बुल है जिसके आगे खर्च कितनी होती होगी महीने को, खर्च और पशुओं से 1.5 गुना हो जाती है, क्योंकि ये ब्रीड है। ऐसा नहीं है कि इस तो घी देना और ज्यादा दूध देना जिससे मोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ब्रीड है और ब्रीड पर और पशुओं से 1.5 गुना खर्च ज्यादा हो जाता है इसके मेंटेन रखने के लिए। लाखों में खर्च होती है? देखो नहीं होती, ये कहने की बात है, लाखों में खर्च होती है, 30 हजार 40-50 बस। तो जब सीमन का ज्यादा 50 हजार जब मतलब हमारा सीजन ओब हो जाता है लगभग 30 हजार। खाना क्या क्या खिलाते हैं? खाना देखो चारा तो होता ही है, इसमें थोड़ा फीड का प्रयोग बिनोले खाड़े गेहूँ का दलिया चना आदि। नहीं देखो ये कहने की बात है, ड्राई फ्रूट तो इनके लिए है हानिकारक है, ये तो मान हमारे पशुपालक भाई झूठ बोलते, ये खाता दारू पीता ये करता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका चारा और फीड खिलाने का है, ठीक है जी, नॉर्मल चारा ही खाता है। हाँ नॉर्मल चारा खाता है, फीड खाता है, तो ये तो एक ब्रीड है और ब्रीड बहुत अच्छी। कितनी उम्र हो रही होगी इसकी? 6 साल इसकी उम्र हुई है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो अपने इस भैंसे को लेकर देश भर में जाते हैं, इसी क्रम में वो बिहार आए हैं। उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ भी की है। मैं बिहार की सरकार को इस बात का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्हें ऐसे कदम उठाए कि हमारे पशुपालक भाइयों को या मेले का में आने का मौका मिला और प्रदर्शनी में पशु का प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। इस प्रतियोगिता से हमारे पशुपालक भाई बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पशुपालक नरेंद्र सिंह को पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। फिलहाल पटना में ये भैंसा कौतूहल का विषय बना हुआ है।
बिहार में पहली बार जो है 10 करोड़ रुपए का भैंसा पटना में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, और इससे जो है डॉक्टर भी अपने जो IVF टेक्नोलॉजी के जरिए जो लैब में जो प्रजनन करवाना चाहते हैं उसकी तकनीक के लिए भी यहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं, और इस तरह का भैंसा देखकर बिहार के लोग काफ़ी ही चौंक गए हैं और कह रहे हैं कि शायद ऐसा भैंसा बिहार में भी हो तो काफ़ी अच्छा होगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।